है सर वो जैसे इस समय सोशल चल रहा है कि हिंदू वाले हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम कर रहे हैं, क्रिश्चियन है अपना धर्म फैला के कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनपे है कि मैं उनसे सिर्फ कहना चाहूंगा कि पहले इंसान बने धर्मों तो हम बाद में बढ़ जाएंगे। कि ना मैं हिंदू की रामायण ना भगवत गीता ना पुराण हूँ, ना मैं हिंदू की रामायण ना भगवत गीता ना पुराण हूँ, ना क्रिश्चियन की बाइबल ना मुस्लिमों की पुराण हूँ। मेरे लहजे में खून थोड़ा तीखा बहता है, मेरे लहजे में खून थोड़ा तीखा बहता है, मैं सच्चाई की जवान हूँ, शायद इसीलिए सभी धर्मों से हटके मैं केवल एक इंसान हूँ। ना मैं विश्व विजेता सिकंदर, ना मैं राजा अकबर महान हूँ, ना मैं विश्व विजेता सिकंदर, ना मैं राजा अकबर महान हूँ, ना मैं मीरा सा दीवाना, ना मैं कबीर स्थान हूँ, ना मैं किसी भगदड़ की हलचल, ना किसी अंधेरे कमरे की सुनसान हूँ। देखकर किसी दुखिया की आंखों में आंसू मेरे भी बहते हैं, देखकर किसी दुखिया की आंखों में आंसू मेरे भी बहते हैं। हाँ शायद इसीलिए सभी धर्म के चमचों से हटकर मैं केवल एक इंसान हूँ, आगे बढ़ने के इंसान हूँ। बाकी अगर सीखोगे तो बहुत सारी जो चीज़ें लंबी हो जाएंगी, लाइने जो लंबी हो जाती है वो कम हो जाएगी। बढ़िया पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है हमारा, सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब COVID-19 साहब चल रहा है, आपने बोले होगा कि मुझे पता नहीं मैं क्या पढ़ने जाना है, नजरिए से क्यों देखूंगा, क्योंकि कविता तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, शायद मैं भी सीख ही रहा हूँ, कोई उसकी था नहीं है ना, तो लेकिन अगर वाकई इस तरह के कंटेंट अगर आपका दिमाग में आ रहे हैं, इस तरह के भाव आपके दिमाग में आते हैं, तो निश्चित रूप से मैं सलाह दूंगा बिल्कुल इस में आ गई और सीखिए। यस सर, जरूर आना ही चाहते हैं, सीखिए, क्योंकि सीख के जब आप लिखेंगे तो लाइनें आपको बहुत लंबी हो जाती हैं, लंबी हो जाती है, लेकिन उसका लिखने कितना बढ़िया जोर देते हैं, बहुत कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बढ़िया। और सर एक बार जोड़ा था जब भी गया।